हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर विनोद सर इज हियर। वेलकम टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं केसेस के बारे में, ठीक है। नाउन के जो केसेस होते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में, जो है ना टोटल नंबर ऑफ केसेस है 5, ठीक है। तो वो केसेस क्या है और किस प्रकार से केस का यूज हमारे सेंटेंसेस में किया जाता है, उसकी बात जो है ना बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समय के वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक। तैयार हो तो बिल्कुल तैयार रहो, ठीक है। चलो देखो क्या है नाउन केसेस, ठीक है। केस जिसको हम विभक्ति के नाम से भी जानते हैं, विभक्ति आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदी में या फिर मराठी में जो है ना हमारे पास 6-7 प्रकार की 7-8 प्रकार की विभक्तियां होती है, ठीक। वही टॉपिक जो है ना यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो है ना 8 विभक्तियां नहीं होती। तो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 5, ठीक है। अब देखो वन बाय वन क्या डिस्कस करेंगे, ये देखो सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस के तौर पर भी जानते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है हमारा एक्यूजेटिव केस, ठीक है। थर्ड वन है हमारा पजेसिव केस, जहां पे पजेशंस, ओनरशिप, होल्ड दिखाया जाता है, ये है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज द पजेसिव केस। फोर्थ नंबर का हमारा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस जिसमें जो है ना किसी को आवाज दिया जाता है, ठीक है, आवाज देने के लिए या फिर आवाज दिया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, तो वो होता है हमारा वोकेटिव केस, ठीक है। और फिफ्थ नंबर का हमारा डेटिव केस, डेटिव केस मतलब देखो डेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है और डेटिव केस में जो है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट में, कि सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि एवरी सेंटेंस कैरीज टू ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तो जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट की बात होगी, दो ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, एक रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो दोनों में से एक देखो जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग जो होगा वो रहेगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लिविंग रहेगा वो रहेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, मान के चलो कि सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है किस केस में है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस जिसको एक्जेक्टिव केस भी कहते हैं और साथ में डेटिव केस भी आता है, तो फिर हमारा श्योर आंसर कौन सा होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में कोई नॉन लिविंग अंडरलाइन किया हुआ है तो वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, मतलब एक्यूजेटिव केस। अगर कोई नॉन लिविंग केस, सॉरी लिविंग अगर कोई अंडरलाइन किया हुआ है, लिविंग वर्ड, ठीक है, जैसे कि किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी बर्ड्स का नाम, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो रहेगा हमारा डेटिव केस में। क्लियर हो गया। चलो अब समझते हैं इस पहले केस को जिसका नाम है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हमने सब्जेक्टिव केस कहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है नॉमिनेटिव केस, ये तो इन शॉर्ट में बता देता हूं, पहला वाला नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ये रहे हमारा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसको हमने क्या कहा है, हमने कहा है सब्जेक्टिव केस। समझ में आ रहा है, देखो अच्छी तरह से मैं समझा के दे रहा हूं, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस, क्या होता है, when any noun or pronoun, noun or pronoun is used as a subject of a verb is called as nominative case, उसको हम कहते हैं nominative case। देखो जब भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो वो अंडरलाइन किया हुआ नाउन या फिर प्रोनाउन हो जाएगा हमारा नॉमिनेटिव केस या फिर वो रहेगा हमारा सब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, रमेश फ्लू काइट्स। हाँ, उसके साथ साथ एक जरूरी मैं चीज बता देता हूं कि नॉमिनेटिव केस सेंटेंस के आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो मेन वर्ब रहेगा उसको क्वेश्चन पूछेंगे हु या फिर व्हाट से। अगर हम वो को क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें मतलब हमारा आंसर मिल जाएगा कि सेंटेंस का कौन सा वर्ड है जो नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है। जैसे कि देखो रमेश फ्लू क्लाइस, ठीक है, अगर इस फ्लू को हम हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा जो रहेगा हमारा नॉमिनेटिव केस। जैसे कि देखो हु फ्लू काइट्स या फिर हु डिड फ्लाई काइट्स, कौन उड़ाता है, तो भाई ये उड़ाता है रमेश,
ठीक है। तो रमेश क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वर्ड जो कि नॉमिनेटिव केस में या फिर सब्जेक्टिव केस में, मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रमेश रहेगा, ठीक है। दूसरा बात, दूसरा एग्जांपल है, स्कॉर्पियन बीट दी बॉय, स्कॉर्पियन सॉरी नॉट बीट बाइट दी बॉय। तो एक लड़के को जो है ना किसने काटा है, स्कॉर्पियन ने काटा है। तो यहाँ पे देखो बीट सॉरी बीट नहीं बाइट सॉरी सॉरी ठीक है। सो बाइट ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। अब इसको अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हु बाइट दी बॉय, हु बाइट दी बॉय या फिर हु डज बाइट दी बॉय, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर मिल जाता है हमारा स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, एक ऐसा नाउन है जो कि कौन से केस में यूज किया गया है, वो यूज किया हुआ है हमारा नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल कौन सा हमारा, सरिता कुक्स फूड, सरिता खाना बनाती है। यहाँ पे ये जो मेन वर्ब हमारा कुक्स, उसको हम क्वेश्चन पूछेंगे किस प्रकार से, हु कुक्स फूड या फिर हु डज कुक फूड। तो आंसर क्या मिला हमें, सरिता मिला। तो इस प्रकार से सरिता क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा जो कि किस केस में यूज किया हुआ है, नॉमिनेटिव केस में होता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में। तो इसी प्रकार के एग्जांपल हमारे एग्जाम में भी आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ऐसा सेंटेंस मिला गया, ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ और उसमें कहा, जैसे मान के चलो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यहाँ पे रमेश, यहाँ पे सरिता है, सरिता को अंडरलाइन किया हुआ और पूछा गया, इंस्ट्रक्शन आई हुई है कि अंडरलाइन वर्ड किस केस का है, किस केस में यूज किया है, वो नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, डेटिव है या फिर वोकेटिव है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा मैंने बता दिया है कि जो मेन वर्ब रहेगा उसको हु से या फिर व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो केस है वो फाइनल हो जाएगा कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये नॉमिनेटिव केस में है या फिर नहीं है। गॉट इट। सामने चलते और बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, ठीक। अब सेकंड वन हमारा केस है, केस का टाइप है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को ही हमने क्या कहा था, याद है देखो ऑब्जेक्टिव केस को, यस, हमने ऑब्जेक्टिव केस को एक्विजिटिव केस भी कहा था। देखो अब कैसे क्या उसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन है, वेन ए नाउन और प्रोनाउन, वेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसके पहले हमने जो नॉमिनेटिव केस देखा उसमें देखो हमने यूज किया था वेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लेकिन इन दिस केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो रहा है, वेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज एन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तब माना जाता है कि वो जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है जो कि एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया जाता है ऑफ द वर्ब, तो वो हो जाएगा हमारा नाउन प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चीज को हमें भूलना नहीं है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसको हमने एक्यूजेटिव केस कहा है, वहां पे किस ऑब्जेक्ट को हम फोकस करेंगे, हमारा फोकस होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा है कि डेटिव केस में क्या होता है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड है, फिर दोनों ऑब्जेक्ट में से गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में हमें फोकस करना है, कंसिडर करना है, वैल्यूएशन देना है किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा सेंटेंस में, नॉन लिविंग जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वो जो लिविंग होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पेपर देखो, बॉयज कट पेपर, बॉयज कट पेपर, तो बॉयज कौन है, सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या कट किया है, क्या काटा है, किसको काटने का काम किया है, उन्होंने कापा है पेपर को, तो पेपर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस वर्ड हो जाएगा। या फिर पेपर कौन से केस में यूज किया है, ये किया हुआ है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज। उसके बाद हिज फादर ब्रॉट ए कार, हिज फादर ब्रॉट ए कार, उसके पिताजी ने क्या लाया है, ये है हमारा मेन वर्ब, क्या लाया है, क्या लाया है, जो भी लाया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या लाया है उसके पिताजी ने, कार लाया है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन से केस में है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। थर्ड सेंटेंस, माय सिस्टर इज वॉशिंग क्लॉथ, माय सिस्टर इज वॉशिंग क्लॉथ, तो मेरी सिस्टर जो क्लॉथ वॉश कर रही है, तो यहाँ पे जो क्लॉथ, क्या मेरी सिस्टर क्या वॉशिंग कर रही है, कपड़े धो रही है, क्या धो रही है, कपड़े, मतलब किसको धोने की क्रिया चल रही है, कपड़ों को धोने की चल रही है, ठीक है, क्रिया चल रही है, कपड़ों के ऊपर क्रिया की जा रही है, उसको वॉश आउट करने का काम हो रहा है। इसका मतलब ये जो क्लॉथ रहेगा ये क्या रहेगा, हमारे जो वर्ब है, हालांकि ये कंटिन्यूअस टेंस में है, हमें टेंस की बात नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि जो मेन वर्ब है या फिर जो भी वर्ब है सेंटेंस का उसका ऑब्जेक्ट कौन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में क्लॉथ ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया है। ब्रॉट, ठीक है, हिज फादर ब्रॉट, व्हाट डिड, ठीक है, हिज फादर ब्रॉट सॉरी हिज फादर ब्रिंग, तो क्या लाया है उन्होंने, कार लाया है, तो कार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है इस प्रकार से, अमूल, अमूल इट्स ए मैंगो, अमूल इट्स ए मैंगो। सो अमूल कौन है, सब्जेक्ट है जो कि एक्शन कर रहा है, इट्स क्या है हमारा मेन वर्ब है, मैंगो क्या है पता नहीं है, तो अमूल इट्स ए मैंगो, अमूल मैंगो खा रहा है, आम खा रहा है, क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है,
ठीक है। खाने की जो क्रिया है किसके ऊपर की जा रही है, मैंगो के ऊपर, तो मैंगो क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये है, दैट मीन्स ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है नाउन है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस वर्ड। मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है किस केस में यूज किया हुआ है, इस सेंटेंस में ये यूज किया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, जिसको हम एक्विजिटिव केस कहते हैं। गॉट इट। सामने चलते हैं, बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ में। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की, मतलब थर्ड टाइप ऑफ केस की। तीसरे केस कौन सी, हमारी पजेसिव केस है। देखो ध्यान देना है, हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले, लेक्चर को आगे बढ़ाने के पहले, टॉपिक को समझाने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, जितना चाहे ज्यादा उतना ठीक है, जहां तक चाहिए हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उसके साथ साथ आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो अलग अलग टॉपिक को लेकर, या फिर जो भी इस वीडियो में कुछ समस्या है, कुछ क्वेरीज है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, अनसॉल्व कुछ अगर क्वेश्चंस होते हैं तो वो चीज भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलना। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन कंटिन्यू करने के पहले मैंने बता दिया, अभी पहले भूल जाते हैं हम, ठीक है, भूल जाते हैं, भूलने के पहले जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब करने वाले हो, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा के दे रहा हूँ, इजी नहीं, इजीएस्ट वे से जो क्लियर करके दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, हमारे एकेडमिक एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ साथ जो हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ठीक है, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, देखो अंडरलाइन किया हुआ था वर्ड को और पहचाना, मतलब पहचाने के लिए बोलता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है किस केस में है। तो समझा रहे, समझ में आ रही बात। चलो देखते हैं, अब थर्ड वन है हमारे केस पजेसिव केस। पजेशन मतलब क्या होता है, किसी का अधिकार, माल की, किसकी चीज है, मेरी चीज है, मतलब मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये क्या है, पजेशन शो करने वाला वर्ड है। तो देखो यहाँ पे द पजेसिव केस ऑफ ए नाउन, पजेसिव केस ऑफ ए नाउन आंसर द क्वेश्चन हुज, ठीक है, मतलब जो भी कोई एक नाउन होगा, मतलब जो भी कोई चीज है ठीक है, उस चीज के ऊपर किसका अधिकार है ठीक है, ये बताने वाला जो वर्ड रहेगा ठीक है, या फिर वो जो वर्ड रहता है वो होगा हमारा पजेसिव केस नाउन ठीक है। जैसे कि कैसे, यहाँ पे दिस इज गणेश कार, दिस इज गणेश कार, मतलब ये जो कार है ये किसकी कार है, गणेश कार है ठीक है, गणेश की कार है ठीक है। हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, किसकी कार है, भाई गणेश की कार है। तो गणेश ये जो नाउन रहेगा ये कौन से केस में यूज किया हुआ है, ये यहाँ पे नॉमिनेटिव केस नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यहाँ पे देखो नाउन है लेकिन ये जो है वो पजेसिव केस में यूज किया हुआ है ठीक है। अब सामने जो है, इट इज माई फादर्स बैग, वो किसके बैग है, मेरे पिताजी के बैग है, मतलब मेरे पिताजी के अलावा हम उसको टच नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इट इज माय फादर्स, तो ये रहेगा फादर्स हमारा क्या, पजेसिव केस का वर्ड, या फिर फादर्स ये इंडिकेट करता है पजेसिव केस ठीक है। किसके ऊपर, बैग के ऊपर, यहाँ पे किसके ऊपर उसका अधिकार है, कार के ऊपर है। दे पब्लिश्ड प्रोफेसर स्पीच, स्पीच किसका था, प्रोफेसर का था, उस टीचर का था, वो प्रोफेसर का है ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से स्पीच किसका है, प्रोफेसर का है, मतलब पूरे माल की जो पूरा जो अधिकार है उसकी स्पीच के ऊपर, ये उस प्रोफेसर का है। क्लियर हो गया। चलो मतलब ये जो है, ये जो नाउन रहेगा ये क्या शो करता है, हमारा ओनरशिप शो करता है, पोजीशन शो करता है। हुज स्पीच, ओके, हुज स्पीच दे डिड पब्लिश, सॉरी हुज स्पीच डिड दे पब्लिश, तो किसका रहेगा, प्रोफेसर का स्पीच है। तो ये है हमारा पजेसिव केस वर्ड। वी हैड कंस्ट्रक्टेड बॉयज हॉस्टल, वी हैड कंस्ट्रक्टेड बॉयज हॉस्टल, किसका हॉस्टल कंस्ट्रक्ट किया हमने, बॉयज का हॉस्टल। देखो बॉयज का मतलब उस हॉस्टल के ऊपर गर्ल्स का अधिकार नहीं, उनली एंड ओनली बॉयज का ही अधिकार है। बात समझ में आ गया। तो ये जो है ना बॉयज, इस प्रकार से जो है ना क्या है हमारा पजेसिव केस। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी दिया है, इसको ही जो है ना अपोस्ट्रोफी भी कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी भी कहा जाता है इस पजेसिव केस को, क्योंकि हम क्या करते हैं जो पजेशन होता है वो शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जिसका प्लूरल फॉर्म जो है ना, अगर किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म एस लगाने से होता है तो फिर उसमें जो है ना अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है, तो उसके एंडिंग में हम क्या करते हैं, ऐसा अपोस्ट्रोफी का सिंबल देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे बॉय ठीक है, ये है सिंगुलर, इसका प्लूरल कैसे रहेगा, बॉयज होता है ठीक है, बॉयज होता है। अब इसका बॉयज का हॉस्टल, तो इसलिए यहाँ पे हम फिर से अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है। ये इसलिए जो है ना इसके लास्ट में हम ऐसा अपोस्ट्रोफी का सिंबल दे देते हैं, साइन लगाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा पजेसिव शो करने वाला वर्ड। गॉट इट। तो इस प्रकार से जो है ना ये हो गया हमारा पजेसिव केस। अब सेपरेट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जबरदस्त तरीके से कि किस प्रकार से पजेसिव शो करने के लिए पजेसिव केस वाले वर्ड्स को हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, फिर भी ये पजेसिव में चला गया है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा पजेसिव केस ठीक है, जिसमें अधिकार शो किया जाता है, उसका मालिकी हक
दिखाया जाता है। बट इट चलते हैं, अब नंबर है हमारे वोकेटिव केस का। कौन सा नंबर है? वोकेटिव केस। देखो वोकेटिव केस मतलब क्या होता है, कहीं पे किसी को अगर आवाज दिया जाता है, आवाज देने के लिए जो है ना वोकेटिव केस का यूज किया जाता है, या फिर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड अगर किसी के द्वारा बुलाया गया है या फिर उसको अगर आवाज दिया गया है तो वो होता है वोकेटिव केस वाला वर्ड। देखो यहाँ पे डिफिनेशन है, नाउन यूज टू नेम ए पर्सन और थिंग, एक नाम जो कि किसी एक पर्सन के लिए या फिर किसी चीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर उस चीज या फिर उस इंसान को एड्रेसिंग करने के लिए अगर किसी नाउन का यूज किया जाता है तो कहा जाता है कि दैट नाउन इज इन दी वोकेटिव केस। गॉट इट? देखो मनीष, ठीक है, सॉरी यहाँ पे महेश चाहिए, महेश कम हियर, महेश कम हियर, हमने क्या किया उसको आवाज दिया है, आवाज दिया। देखो किसको एड्रेस किया हमने, यहाँ पे महेश को एड्रेस किया मैंने कि महेश इधर आओ, सीता गो बैक, सीता वापस जाओ। तो किसको एड्रेस किया मैंने? सीता को एड्रेस किया है। तो ये हो गया हमारा, ये सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस नहीं है, ठीक है, ये है हमारा वोकेटिव केस। किसी एक इंसान को या फिर किसी चीज को हम एड्रेस करने के लिए उसका नाम लेकर पुकारते हैं तो वो हो जाता है हमारा वोकेटिव केस। गॉट इट? ये है वोकेटिव केस। जैसे कि आप देखो इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, लिसन टू मी स्टूडेंट्स, ठीक है, लिसन टू मी स्टूडेंट्स, मैंने किसको एड्रेस किया इस सेंटेंस में? स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, उनको कहा है कि मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे थर्ड वन है कम ऑन फ्रेंड्स, मैंने किसको फोकस किया, किसको एड्रेस किया है? मेरे दोस्तों को एड्रेस किया है, दोस्तों को कंसिडर करके सेंटर में रखते हुए मैंने ये सेंटेंस यूज किया है, कम ऑन फ्रेंड्स चलते हैं, इज इट? तो किसको एड्रेस किया है? फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स ये जो अंडरलाइन वर्ड है किस केस में है? ये है वोकेटिव केस में, ठीक है। सामने चलते हैं, सोल्जर्स फॉलो मी, सोल्जर्स फॉलो मी, तो कोई अगर ऑफिसर है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल का, हाईएस्ट पोस्टिंग का अगर ऑफिसर है, वो अपने सोल्जर्स को कहता है सोल्जर्स फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। तो ऑफिसर ने किसको एड्रेस किया है, किसको आवाज दिया है? सोल्जर्स को आवाज दिया है। तो वोकेटिव केस इन शॉर्ट, जब किसी चीज को या फिर किसी इंसान को हम एड्रेसिंग करते हैं या फिर किसी को आवाज देते हैं कुछ करने के लिए, तो वो जो जिसको एड्रेस किया है वो इंसान या फिर वो चीज होती है हमारी वोकेटिव केस। गॉट इट? समझ में आ गया ना? जैसे कि बच्चे खड़े जाओ, बॉयज स्टैंड अप, स्टूडेंट्स सिट डाउन, अंकल कम हियर, इज इट, फादर गो देयर। तो ये जो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, फादर है, बॉयज है, तो ये हो जाएंगे हमारे वोकेटिव केस के नाउन या फिर वोकेटिव केस के वर्ड, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा कहेंगे कि जो एड्रेस की हुई नाउन है या फिर एड्रेस की हुई जो भी चीज रहेगी वो रहेगी हमारे वोकेटिव केस में। गॉट इट? अब देखो बात करेंगे हम डेटिव केस के। डेटिव केस क्या होता है भाई? डेटिव केस होता है ये इस प्रकार से, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। देखो सेंटेंस में मैंने सेकंड केस जो हमने सीखे है, और उस समय में मैंने बताया था कि सेंटेंस में कभी कभार दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट में से, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट वाले ये सेंटेंसेस से बात करते हैं कि कौन सा रहेगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं है क्या नहीं दिया हुआ, ये देखो द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस में होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा लिविंग बींग्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा नॉन लिविंग बींग्स। तो ऑब्जेक्टिव केस में हमें किसको फोकस करेंगे? हमें फोकस करना है नॉन लिविंग्स को, और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मतलब ही डेटिव केस में हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? हमारे लिविंग के ऊपर, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स द वर्ड और द नाउन विच इज यूज एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए मेन वर्ब इज सेड टू बी इन डेटिव केस। गॉट इट? चलो, हर मदर गेव हर ए प्रेजेंट, हर मदर गेव हर ए प्रेजेंट, तो उसके मम्मी ने जो है, उसके मदर ने जो ना उसको दिया, क्या दिया? एक प्रेजेंट दिया, एक गिफ्ट दिया, कोई तो भी एक चीज दी। तो उसके मम्मी ने एक चीज दी, क्या दिया? एक चीज दी, एक गिफ्ट दिया, एक प्रेजेंट दिया। तो ये प्रेजेंट क्या है? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या रहेगा हमारा पूरा का पूरा? ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अच्छा ठीक है, उसके मम्मी ने उसको दिया, किसको दिया? उसको दिया, मतलब जिसको दिया गया है वो भी तो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है ना। तो हर मतलब एक लड़की का नाम है, मान के चलते हैं, हर मदर गेव सीता अ प्रेजेंट, तो सीता क्या है? एक नाउन है, और ये लिविंग है, हर ये भी एक लिविंग है, हालांकि वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखो ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और नॉन लिविंग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो मेन वर्ब है उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हर। तो ये हर क्या रहेगा हमारा? डेटिव केस का वर्ड रहेगा, ठीक है। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन डेटिव केस। कौन से केस में? डेटिव केस में है, समझ में आगे बात। और ये जो है अ प्रेजेंट, ये ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार जो है ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। सेकंड वन, टीचर टीचेस लोमेश मैथ्स,
तो टीचर जो है ना किसको पढ़ाती है, लोमेश को पढ़ाती है। क्या सिखाती है, क्या पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है। तो मैथ्स ये भी ऑब्जेक्ट रहेगा और लोमेश ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही रहेगा इस सेंटेंस में। लेकिन जो टीचर्स है ये क्या है हमारा मेन वर्ब है, इसका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, लोमेश रहेगा। इसलिए इस सेंटेंस में जो लोमेश वर्ड है इट इज इन डेटिव केस, क्योंकि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैथ्स ये नॉन लिविंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस में कंसिडरेबल नहीं है तो वो है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन एग्जाम्पल, द चीफ गेस्ट ऑफर्ड मी ए जॉब। तो चीफ गेस्ट ऑफर्ड मी, उन्होंने मुझे कुछ ऑफर किया, जिसको ऑफर किया वो कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब मी ऑब्जेक्ट है। उसके साथ साथ क्या ऑफर किया है, जॉब ऑफर किया। जॉब क्या है, नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फोकस ही नहीं करना है, तो फिर हमारा जो डेटिव केस वाला वर्ड रहेगा इन दिस सेंटेंस ये रहेगा मी, ठीक है, जो कि लिविंग है। फोर्थ एग्जाम्पल, हिज अंकल गिफ्टेड फिर से एक बार मिस्टेक हो गया, सॉरी गिफ्टेड हिम, ठीक है, गिफ्टेड हिम ए कार। His uncle gifted him a car. तो उसके अंकल ने उसको गिफ्ट किया है, किसको गिफ्ट किया है, उसको गिफ्ट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, उसके अंकल ने कार गिफ्ट किया है, क्या कार गिफ्ट किया है, एक कार गिफ्ट किया है, तो कार ये भी रहेगा ऑब्जेक्ट और वो जिसको उन्होंने ऑफर किया है, गिफ्ट किया है, वो भी रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों में से कौन सा डेटिव केस वाला ऑब्जेक्ट डेटिव केस में रहेगा, ये रहेगा या फिर वो रहेगा। देखो डेटिव केस में मैंने बहुत बार बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेटिव केस में जो नॉन लिविंग रहेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो डेटिव केस में हम फोकस करेंगे या फिर डेटिव केस वाला वर्ड होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में जो वर्ड होता है मतलब ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग होता है, और देखो अपोजिट है, ठीक है, लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गिफ्टेड है, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है। इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी है। इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लोमेश है। इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना हर है। इसीलिए ये जो रहेंगे हमारे कौन से, ये वाले, अब मैं ये बिटा देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। तो ये जो रहेंगे, ये रहेंगे हमारे डेटिव केस वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये जो अंडरलाइन की हुई है वर्ड है ये कौन से केस में यूज किए हुए हैं, ये यूज किए हुए हैं डेटिव केस में। गॉट इट। सो आई होप ये जो पूरा टॉपिक है केस का ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन होते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट करना ना भूलना। और लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियोज को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज पहुंचने चाहिए, उनका भी भला होना चाहिए ना भाई। अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।